दबे हुए मैं तुम्हें आराम दूंगा। बाप और बेटे और रुकदुस के नाम से हमारे खुदा यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जो रहमतों का बाप और हर तसल्ली का खुदा है। वही हमारी हर एक मुसीबत में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम इस तसल्ली के सबब से इनको भी तसल्ली दे सके जो किस तरह की मुसीबत में है। खुदावन मैं गहराइयों में से तुझे पुकारता हूँ, ऐ खुदावन मेरी आवाज सुन, मेरी मिन्नत की आवाज पर तेरे कान मुतवज्जे हो। ऐ खुदावन अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावन कौन ठहरेगा, लेकिन तेरे पास गुनाहों की मगफरत है ताकि अदब से तेरी इबादत हो। मैं खुदावन पर भरोसा रखता हूँ, मेरी जान इसके कलाम पर उम्मीद रखती है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, मेरी जान खुदावन की ज्यादा मुंतजर है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, मेरी जान खुदावन की ज्यादा मुंतजर है, क्योंकि खुदावन के पास शफकत और उसके पास कसरत से फिदिया है। खुदा तुझे अपनी बारगाहों में कबूल करे और मसीह तुझे बहिश्त में खुश आमदीद कहे। हम दुआ करें। ऐ खुदा अपनी बेहद रहमत और प्यार से हमारी दुआएं सुन और अपनी बंदी शाहिदा पर रहम कर, जिसने अपनी जमीनी जिंदगी का सफर खत्म कर लिया है, इसे अपने मुकद्दसीन में शामिल कर, ताकि ये हमेशा रोशनी और राहत की बादशाहत में रहे, मसीह खुदावंद के वसीले से। तो मुकद्दस मत्ती के मुताबिक और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन को भट्टे मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा जलजला आया, क्योंकि खुदावन का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़काया और उस पर बैठ गया। इसकी सूरत बिजली की सी और इसकी पोशाक बर्फ की सी सफेद थी, और इसके डर से निगेबान कांप उठे और मुर्दों की मानिंद हो गए। पर फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहाँ वो पड़ा था, और जल्द जाकर इसके शागिर्दों से कहा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहाँ तुम उसको देखोगे। मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गई।